सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू मेथड अर्निंग की। आपको अर्निंग होगी स्टीमिट और स्कॉरम से। गाइस, स्कॉरम की अभी मैंने वीडियो बनाई थी जो आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। जो ये वीडियो मैंने बनाई थी, काफी लोगों ने पसंद किया और काफी लोगों ने लाइक किया और कमेंट भी किए कि वीडियो काफी अच्छी लगी। तो गाइस, उसी को मैंने देखते हुए मुझे एक और आइडिया आया है जिससे आप स्कॉरम और स्टीमिट दोनों से ही काफी अच्छी और काफी ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। आपको वहां से तो पैसे जनरेट होते ही हैं, लेकिन आपको और भी पैसे जनरेट होंगे, जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं अगर आप लिखोगे तो। तो इस वीडियो में बने रहना। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि आपको और आपके दोस्तों को दोनों को अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के जरिए मिल सके। इसीलिए आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करवाएं और प्लीज बेल का आइकन जरूर प्रेस करवाएं, ताकि नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच सके। तो इस वीडियो में बने रहना। इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताने वाला हूं कि कैसे क्या करना है और कैसे आपको अर्निंग होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आपको पता होगा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है और एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं। गाइस, अगर आपको एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता तो मैं बता दूं, एफिलिएट मार्केटिंग मान लो आप हो और एक कंपनी है, आप कंपनी की चीज को बिकवाते हो और कंपनी आपको कुछ कमीशन देती है, इसको ही एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। जैसे कि अमेजोन है, अमेजोन का आप कोई सामान को बेचवाते हो और अमेजोन आपको उसमें कुछ परसेंट देता है, 3 से 4, 5, 6%, तो उस चीज को बोलते हैं एफिलिएट कमीशन और उस मार्केटिंग को बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। तो दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए लोग ब्लॉग का यूज करते हैं, ठीक है, और यूज करते हैं अलग अलग वेबसाइट्स, एड्स, इन सब चीजों का यूज होता है एफिलिएट मार्केटिंग में। बेसिकली आज के समय में बहुत सारी ऐसी चीजें जो नई नई जुड़ते जा रही हैं एफिलिएट मार्केटिंग के साथ मार्केटिंग में, जिसके बारे में मैं आने वाले समय में आपको बताने वाला हूं। लेकिन मैं वेट कर रहा हूं एक बहुत ही बड़े फैमिली का कि हमारी फैमिली कम से कम 50-60 हज़ार की हो जाए, तो उसके बाद मैं आपको एफिलिएट की काफी सारी चीजें बताऊं, क्योंकि मैं जो काम करता हूं उसी वो है एफिलिएट मार्केटिंग और मेरा ज्यादातर जहां ध्यान रहता है वो एफिलिएट मार्केटिंग में रहता है और मेरी जो अर्निंग भी है वो एफिलिएट मार्केटिंग से ही ज्यादा है। तो दोस्तों, एफिलिएट मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो स्टीमिट और स्कॉरम में, मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और प्लीज शेयर जरूर करना एफिलिएट कम्युनिटी और स्टीमिट कम्युनिटी और स्कॉरम कम्युनिटी के साथ, ताकि वो इस चीज का फायदा उठा सके, क्योंकि कोई भी अभी ये नहीं कर रहा है और मुझे लगता है ये बहुत ही सक्सेसफुल मेथड होने वाला है यहां पर। क्योंकि गाइस देखो, आप यहां पर सारी चीजें लिख तो रहे ही हो, जैसे कि आप कुछ भी लिख रहे हो यहाँ पर, जैसे यहाँ लिखा है लेट्स गेट एस्टीमेट ऑन कॉइन बेस, तो ऐसे ही करके आप अलग अलग प्रोडक्ट की, रिलेटेड प्रोडक्ट की रिव्यू दे सकते हो। आप देखो आप किसको फॉलो कर रहे हो, वो लोग किस चीजों में इंटरेस्टेड हैं, तो वो चीजों के आप रिव्यू यहाँ दे के काफी अच्छा एफिलिएट कमीशन अलग से बना सकते हो। तो ये काफी अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए अर्निंग का। अब जैसे आप ब्लॉग पे कोई भी चीज का रिव्यू दे ही रहे हो, अब चाहो तो आप यहाँ पर रिव्यू दो और काफी अच्छी अर्निंग करो और ये लोगों के पास पैसे भी हैं, आप डायरेक्ट मतलब मेरा बोलने का मतलब ये कि एक टारगेट मार्केटिंग आपको डायरेक्ट यहाँ मिल रही है, ठीक है। ये लोग क्रिप्टो करेंसी में हैं, ये लोग ऑनलाइन अर्निंग में हैं, तो आप डिजिटल प्रोडक्ट इनको सेल कर सकते हो, ठीक है, और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हो और जो क्रिप्टो में जो चीज़ें यूज होती हैं वो सेल कर सकते हो। तो उन सब चीज़ों का आप रिव्यू दे के यहाँ से काफ़ी अच्छा मनी गैदर कर सकते हो और ये काफ़ी ईजी होने वाला है, क्योंकि आपको ट्राफिक के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये प्लेटफॉर्म आपको पहले से ही ट्रैफिक दे रहे हैं। और जैसे स्कॉरम है, स्कॉरम में आप स्पोर्ट्स की चीजें बेच सकते हो, ठीक है, स्पोर्ट्स की चीज़ें आप बेच सकते हो। स्पोर्ट्स में आप फुटबॉल बेचो, आप टी शर्ट्स बेचो, सबकी रिव्यू दो, आप हॉकी बेचो, आप क्या बोलते हैं बैट बेचो, आप स्टंप बेचो, आप पूरी चीज़ें बेचो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आप जूते बेचो, जूतों का रिव्यू दो, जूते लोग देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे और जूतों का एड देखेंगे, रिव्यू देखेंगे, आपके लिंक पे क्लिक करके वो वेबसाइट्स पे जाएंगे और काफ़ी अच्छी अर्निंग करेंगे। तो आप इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के काफ़ी अच्छी अर्निंग कर सकते हो। देखो आप, जैसे कि स्कॉरम में बहुत सारी चीजें हैं, आप फुटबॉल से रिलेटेड चीजें बेचो, सबसे ज्यादा जो बिकेगा वो बिकेगा जूता, ठीक है, जूता सबको जरूरत पड़ती है, हर स्पोर्ट्स में जरूरत पड़ती है, तो आप जूतों का रिव्यू दे सकते हो, उससे बंदा जाएगा वेबसाइट पे और अगर आप
लिंक से वो खरीदता है तो आपको काफी अच्छा बेनिफिट होगा। मैंने कहा है कि आप $1,000 से अर्निंग कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो इससे $10,000 भी मंथली बना सकते हो, ठीक है। जो लोग ब्लॉग कर रहे हैं, ब्लॉग ब्लॉग पे जाके रिव्यू दे रहे हैं, ब्लॉग पे जाके कर रहे हैं, तो उनको क्या होता है, ट्रैफिक जनरेट करना पड़ता है, ट्रैफिक लेके आना पड़ता है। और यहाँ आपको जो फायदा ये है कि आपको ऑलरेडी ट्रैफिक मिल रहा है, आपको कहीं नहीं जाना है ट्रैफिक के लिए, आपको ऑलरेडी दोनों प्लेटफॉर्म पे ट्रैफिक मिल रहा है। अब देखो लोग इतना अर्निंग कर रहे हैं, अगर ये रिव्यू दें किसी चीज का तो इतने लोग जो इनको वोटिंग करने आ रहे हैं वो इनको मतलब कमीशन भी देंगे, वोट भी देंगे, तो दोनों तरफ से अर्निंग हो जाएगी। अगर आप कोई और नीश है आपका और आप किसी और बारे में लिखते हो तो आप लिखो, लेकिन बीच बीच में एक एक किसी चीज़ का रिव्यू दे दो, जिससे आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी। गाइस देखो मुझे बेसिकली लिखना पसंद नहीं है, लेकिन लिखने में जो पैसा है वो बहुत पैसा है, जैसे ब्लॉगिंग में और स्टीमिट हो गया, स्कॉरम हो गया, ऐसे बहुत सारी प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हो अगर आप लिखने में इंटरेस्टेड हो, अगर आप लिख के अर्निंग कर सकते हो। तो इन सब चीजों का फायदा उठाओ ताकि आपको अच्छा बेनिफिट हो सके, आप इससे अच्छे अर्निंग कर सको, ये काफी अच्छा है। और मैं याद दिला दूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस करें, इस आइडिया को जरूर कॉपी करें और इस आइडिया से जरूर अर्निंग करें। अगर आप भूल गए तो मैं फिर से बता दूं कि आपको करना क्या, आपको करना यह है कि आपको स्टीमिट और स्कॉरम में अकाउंट बना लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो, अगर है तो बहुत अच्छा, और अगर आपके पास एफिलिएट का अकाउंट नहीं है तो आप जाके अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, ठीक है, और डिजिटल प्रोडक्ट के लिए जीवाजू में और क्लिक बैंक में, इन सब चीज़ों में आप जाके अपना अकाउंट बना लो और उनका एफिलिएट लिंक यहाँ ला के डालो और थोड़ा अच्छे से समराइज करना और वहाँ फोटोज लगाना और वहाँ रिव्यूज़ लिखना और उनसे क्वेश्चन करने की कोशिश करना और उनको टारगेट करने की कोशिश करना कि वो आपके लिंक से उस साइट पे जाएं और इन चीजों को फॉलो करें। इससे आप काफी ज्यादा अच्छी अर्निंग कर लोगे। कैसा लगा ये आइडिया आप कमेंट में मुझे जरूर बताना, इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना गाइस, ताकि मेरी भी थोड़ी हेल्प हो सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लेके आते रहूं। जैसे यहाँ आप देख रहे हो एक कैमरा मैन है, तो आप इस कैमरे के ऊपर रिव्यू दे सकते हो, इससे भी आपको काफी अच्छी अर्निंग हो सकती है, ठीक है। तो दोस्तों इस सब चीजों को फॉलो करो, थोड़ा और दिमाग लगाओ, थोड़ा और अपर लेवल का दिमाग लगाओ और कुछ और भी करने की इसमें कोशिश करो, क्योंकि इन दोनों प्लेटफॉर्म में मैंने एक चीज देखी है, वो कॉमन ये है कि ट्रैफिक काफी अच्छा है इन प्लेटफॉर्म में। तो गाइज यूज करो, अपने ब्रेन को यूटिलाइज करो और पैसे अर्निंग करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज कीप शेयर, कीप सब्सक्राइब एंड कीप लाइकिंग आवर वीडियोस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।